पिछले वीडियो में हमने इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को डिटेल में किया था, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की थी। इस वीडियो में करेंगे कि हम एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी कैसे वो डिटेल वाले पॉइंट को बाहर से अपनी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं और एग्जाम में जब जरूरत हो इमीडिएटली आफ्टर जब जरूरत है तो बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हमारा मेमोरी लोड भी कम होगा। उसके लिए कुछ कॉग्निटिविज्म की टेक्निक्स यूज करेंगे। हम जानते हैं कि दो भागों में बांटा था, एक जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन के आंसर को दो भागों में बांटा था, एक था कि एटिमोलॉजिकल मीनिंग, दूसरा था डेफिनेशंस बाय थिंकर। एटिमोलॉजिकल मीनिंग के लिए सिर्फ तीन शब्द याद रखने हैं आपने, संस्कृत, संस्कृत हिंदी। संस्कृत एक बार भी ठीक है, संस्कृत हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, अगर आप रीजनल लैंग्वेज का मीनिंग देना चाहते हो तो। अदरवाइज आपको याद सिर्फ रखना है संस्कृत से शिक्षा, संस्कृत से विद्या का अर्थ निकलता है और हिंदी से अध्ययन, है ना। रीजनल लैंग्वेज आप अपनी याद करोगे। दूसरा जो डिटेल क्वेश्चन होगा, उसके काफी क्वेश्चंस हैं, उनको याद करने के लिए चार मीनिंगफुल वर्ड मैंने बनाए हैं, गार्ड, डार्क, स्टार, PUVP, ऐसे भी हो सकता है पी जुवान, जो भी हिंदी में आप लिख सकते हो। तो इनको एक सेंटेंस मैंने दे दिया, गार्ड ऑफ ऐसे ही डाला है, गार्ड ऑफ डार्क स्टार। तो जो लंबे ज्यादा पॉइंट याद करना चाहते हैं वो चारों शब्द की एब्रिवेशन जो अभी हम करेंगे कि हर थिंकर के नाम से ये बनाई गई हैं, वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा कोई कम करना चाहता है तो वो इतने पॉइंट याद कर सकता है, अगर बहुत कम तैयारी करनी है तो इतना, अगर एक दिन पहले ही पढ़ना है, ये आपकी एडजस्टमेंट है कि आप कितने वर्ड याद करने हैं। तो गार्ड ऑफ डार्क स्टार PUVP जहां पी जवान ये याद रखना है। मैंने पहले अपनी कॉपी पर लिख लिया गार्ड, पहला शब्द है, इतना मिनिमम करना है, जीजू ARD, जी से बन गया गांधी, यू से बन गया उपनिषद, ए से आजाद, अबुल कलाम आजाद, आर से राधा कृष्णन, डी से दयानंद सरस्वती। गांधी की डेफिनेशन को याद करने के लिए मैंने लिख लिया महात्मा, कलर चेंज कर लेते हैं, महात्मा, एम से मुझे याद आ गया माइंड, बॉडी एंड सोल। उपनिषद के एस से मुझे याद था स्पिरिचुअल लिबरेशन। ए से क्या है आजाद, अबुल कलाम आजाद। आजादी कैसे मिली, बिना रेवोल्यूशन के नहीं मिली, रेवोल्यूशन इन सोसाइटी आजाद, रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। राधा कृष्णन जी को कैसे याद रखा था कि राधा को दिल की बात है, कृष्ण जी दिमाग की बात करते हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया हैं, वो डेफिनेशन के उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दयानंद सरस्वती से एस को उठाया और रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, इतना याद रखने से आपके ये पांच पॉइंट तैयार है। अगर आप चाहो तो यहां पर इनकी एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक एजुकेशन या नई तालीम लिख सकते हो। दूसरा शब्द था डार्क, डार्क का डी जो था वो आ चुका है दयानंद, और पिछला भी डी था। ए से और बिंदो, डी से था डिवाइन पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन, और बिंदो और विवेकानंद दोनों की परिभाषा में आता है, उसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि विवेकानंद जी को जान रखने के लिए स्वामी शात ने जोड़ा था और वो एम मैन मेकिंग और मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन की बात वहां की थी, यहां मैनिफेस्टेशन वर्ड मत यूज कीजिए। आर से राधा कृष्णन की फिर डेफिनेशन एक रिपीट होती है, उसको अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख लीजिए, अदरवाइज भूल जाइए, वो है सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। के से है कृष्णा मूर्ति, मूर्ति की आई को भी उठा सकते हैं क्योंकि कृष्णा शब्द रिपीट हो रहा है, मूर्ति की आई को उठा सकते हैं, मूर्ति के एस को उठा सकते हैं। एस से है सेल्फ डिस्कवरी, अगर ये याद नहीं रहता तो आई से इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, ये शब्द थे। जैसे महात्मा गांधी जी को जोड़ा था हमने बेसिक और नई तालीम से, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन से, है ना। वैसे ही अरबिंदो को याद रखने के लिए, उन्होंने भी क्योंकि काम किया है, उन्होंने ये प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, सिर्फ फिलोसोफर नहीं है। और आवली, स्पेलिंग मेरे गलत हो सकते हैं, वहां जहां इनका आश्रम है।
तो के को दो बार लिखेंगे, के से कौटल्या हो गया, कौटल्या से ध्वनि से याद है, कौटल्या से कंट्री, क से कौटल्या, क से कंट्री, और कंट्री से प्रेम, पेट्रियटिज्म, देशभक्ति, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है एस टी ए, ए को मैंने छोटा डाला क्योंकि रिपीट था, आर, ये हो गए शंकराचार्य, शंकराचार्य जो एंशियंट इंडियन इंडियन फिलोसफी के रिप्रेजेंटेटिव है अद्वैत वेदांता के। यहां पर ए से अद्वैत वेदांता भी लिख सकते हो, एस से सेल्फ रियलाइजेशन तो है ही है, सेल्फ रियलाइजेशन, टी से टैगोर, टैगोर की दो डेफिनेशन है, एक तो गोर से रोड बना लिया, रोड टू सॉल्व प्रॉब्लम, एजुकेशन को रोड टू सॉल्व प्रॉब्लम कहते हैं, प्रॉब्लम किसकी, सोसाइटी की। और दूसरा इनका मैंने याद रखा था क्योंकि रविंद्र नाथ है, एन ए टी एच, मैंने ऐसे याद रखा था, जरूरी नहीं आप भी याद रखो, आप एक भूलना भी स्किप भी कोई करना चाहते हो कर सकते हो। एच से मैंने लिख लिया हारमनी, हारमनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, ऑल एग्जिस्टेंस। ए क्योंकि छोटी है, ये अरबिंदो घोष की, यहां रिपीट है, पहले हम कर चुके हैं इसलिए उड़ा दिया। आर से है राम गोपालाचारी, आचारी से, ये आचारी से सदाचार, सदाचार क्या है, एथिकल एंड मॉरल वैल्यू, एथिकल। कई बार आप थोड़े मीनिंग को अपने मुताबिक मोड़ भी लेते हो कि उससे रिलेटेड बन गया, एथिकल प्लस मॉरल वैल्यूज, ये इन पर जोर देते हैं जब एजुकेशन की डेफिनेशन करते हैं, मतलब ये थिंकर हैं, ये इस पर जोर देते हैं। आप इनको भी पॉइंट बना सकते हैं जब इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आपने करना है। लास्ट वर्ड था हमारा पी, यूवी, पी, यूवी कहां से मैंने लिया, युवराज सिंह को, शायद उनको यूवी कहते थे, आपका कोई रिश्तेदार है प्यारा है उसके साथ आप वर्ड को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनल मेमोरी है वो ज्यादा आसान बना देती है। P, Y से U, V, U, V, है ना, P, P से पॉलिसी में रख सकता हूं और N भी रख सकता हूं, N नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद रखना है। अब P से क्या है, पाणिनि, पाणिनि के N से मुझे तब का याद है, है नेचर से ट्रेनिंग, एजुकेशन वो है जो हम नेचर से ट्रेनिंग लेते हैं। पाणिनि पर जीके के क्वेश्चन भी बड़े पूछे जाते हैं, जैसे अष्टाध्याय जो संस्कृत के ग्रामर और जहां संस्कृत भाषा के बेसिक रूल थे वो पाणिनि ने डेवलप किए थे, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही रिपीट होता है। पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के पिता भी शायद इनको कहा जाता है। वाई से है यज्ञवल्क्य, क से याद रहा मुझे कैरेक्टर, कैरेक्टर के पीछे कोई बात नहीं हुई, हाँ वाई यज से रखना है तो यूजफुलनेस, इसको यहां रख रहा हूं यूजफुलनेस, कैरेक्टर एंड यूजफुलनेस की बात करते हैं, एजुकेशन क्या है, जब यूजफुलनेस की बात आती है इट मींस आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हो। यू से है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो राधा कृष्ण कमीशन था 1948 में, उसकी रिपोर्ट में है वो होलिस्टिक एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा लंबी डेफिनेशन है, इसको होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में आप हर चीज को इसमें डाल सकते हो क्योंकि रिपोर्ट है पूरी। वी से विवेकानंदा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको याद रखने के लिए मैंने एस साथ में लिखता हूं क्योंकि स्वामी, एम क्योंकि एम इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम से है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, एम से मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, आपने वर्ड याद रखना है परफेक्शन, परफेक्शन ऑलरेडी जो मैन के अंदर परफेक्शन है ना उसको बाहर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, मेडिटेशन से, योगा से। एम को क्यों मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन पर पूछा जाता है, एजुकेशन इज ए मैन मेकिंग प्रोसेस, मैन मेकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर टेट और यूजीसी नेट के मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गांधी पर, इन पर मेन जो डेफिनेशंस हैं इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो विवेकानंद को इंपॉर्टेंट में रखना है आपने। और लास्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो न्यू एजुकेशन, ये रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ई का निकाला मैंने इक्विटेबल, इक्विटेबल है ना, एंड जस्ट सोसाइटी, जहां न्याय मिले। और दूसरी इन्होंने बात की, यहां पर लिख देते हैं
फुल ह्यूमन पोटेंशियल, फुल ह्यूमन पोटेंशियल। तो एज ए टोटल इस इन डेफिनेशन में क्या मिल रहा है कि होलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है, सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, मेन जो है ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में, जिसके लिए आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, जिसको याद रखने के लिए है गुरु वापिस, गुरु से गुरु गुल्ला, गुरुकुल की प्रैक्टिस पर जहां थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ में चलते थे। दूसरा वापिस वी से वेदांता, ओके, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर देना है। पी से पर्सनलाइज्ड, एक एक बच्चे को पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस। तो स्पिरिचुअल, ये एंशिएंट इंडिया के मेन जो एस्पेक्ट फोकस हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट को थ्रू आउट एंशिएंट और मॉडर्न दोनों में रखा है। अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन की बात करना चाहते हो, आपको याद रखना पड़ेगा एम टिप्स, है ना। एम टिप में आपने क्या करना है कि एम से मल्टी डिसिप्लिनरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बात की है। इसके अलावा टी से टेक्नोलॉजिकल, ये जो साइंस उसके साथ एसोसिएट किया है। मैंने रेड में क्यों लिखा है, जो मॉडर्न वेदांतिस्ट हैं, जो अरबिंदो, टैगोर, विवेकानंद, इन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को प्लस कर दिया है, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को कर दिया है प्लस। तो आप एम टिप्स याद रखना है, मल्टी डिसिप्लिनरी, टेक्नोलॉजिकल, आई से इंक्लूसिव और पी से प्रोग्रेसिव। लास्ट में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, फुल ह्यूमन पोटेंशियल, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करके क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल रखो, जरूरी नहीं है कि सभी वर्ड याद करने हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने डार्क गार्ड ऑफ डार्क स्टार पी यूवीपी पी जुवान, है ना। आपको लगता है कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट, कोई भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन तीन मिनिमम तीन शब्द आप चुन के अपने क्वेश्चन का आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो। थैंक यू। इस की डिटेल देखना चाहते हो, उस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, और इस पर, इसके बेस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। थैंक यू।